इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की एक रियल स्टोरी के बारे में, कैसे एक व्यक्ति 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1,300 करोड़ का अपना वेल्थ क्रिएट किया। ऐसे आप जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 5,000 रुपए से शुरुआत करके उन्होंने 20,000 करोड़ का वेल्थ जनरेट किया। लेकिन इनसे भी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी आपको इस व्यक्ति का लगेगा, जो व्यक्ति है हमारे महाराष्ट्र के अमलनेर गाँव से, मोहम्मद अनवर अहमद। ये एक रियल स्टोरी है और इस रियल स्टोरी को हम जानेंगे इस वीडियो में, कैसे इन्होंने विप्रो में 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके 1,300 करोड़ का वेल्थ क्रिएट किया। और ये एक रियल स्टोरी है और इस पर आप सीख पाएंगे कि कैसे कंपाउंडिंग जो है लॉन्ग टर्म में वर्क करता है एक वेल्थ क्रिएट करने में। विप्रो में जो उन्होंने वेल्थ अपना क्रिएट किया, या विप्रो जो वेल्थ क्रिएट करके अपने सारे इन्वेस्टर को दिया है, उसका सबसे जो मेजर उसमें वर्क किया ग्रोथ के साथ साथ बोनस और स्टॉक स्प्लिट। बोनस और स्टॉक स्प्लिट आपके नंबर ऑफ शेयर्स को कंपाउंड करता है, जबकि ग्रोथ जो है आपके अमाउंट को कंपाउंड करता है। यहाँ दो पे से आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, जो कि आपको यहाँ देखने मिलेगा। जैसे 10,000 रुपया कोई इन्वेस्ट किया था 1980 में, जैसा कि मोहम्मद अनवर अहमद जी ने किया, 10,000 रुपया में उन्हें 100 शेयर प्राप्त होता, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 था और स्टॉक का वैल्यू भी वही था जो IPO आया था 1980 में। तो इनका फेस वैल्यू 100 रुपया था और स्टॉक जो लिस्ट हुआ था वो भी 100 रुपया में, IPO भी 100 रुपया, फेस वैल्यू भी 100 रुपीज, और यहाँ 100 शेयर उन्हें प्राप्त हुआ। अब देखिए कॉर्पोरेट एक्शन के माध्यम से जानते हैं, या याद रखिएगा कि 100 रुपया स्टॉक का भी प्राइस था और फेस वैल्यू भी 100 रुपया था, तो जो फेस वैल्यू था वही स्टॉक का प्राइस था। 1981 में कंपनी 1:1 का बोनस लाती है और 100 शेयर हो गया 200 शेयर, और फिर 1985 में 1:1 का बोनस लाती है कंपनी, 200 शेयर हो गया 400 शेयर, फेस वैल्यू अभी वही है। और फिर यहां पर कंपनी 1986 में 10 रुपये के फेस वैल्यू में स्टॉक को स्प्लिट करता है 100 से 10, तो यहां 10 के रेशियो में ब्रेक करता है, तो शेयर आपका 10 के रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 400 को 10 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4,000 शेयर। फिर 1987 में 1:1 का बोनस लाती है कंपनी और ये शेयर हो गया आपका 8,000 शेयर। फिर 1989 में 1:1 का बोनस 8,000 शेयर हो गया 16,000। फिर 1992 में 1:1 के बोनस इश्यू से शेयर हो गया 32,000। 1995 में 1:1 के बोनस से ये शेयर फिर से मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो हो गया 64,000 शेयर। उसके बाद फिर 1997 में 2:1 का बोनस लाती है, तो यहाँ पर आपको 1 शेयर पे 2 शेयर फ्री मिलने जा रहा है, तो यहाँ पर आपको 64,000 शेयर है, तो इसका 2 गुना कर दीजिए 1,28,000 शेयर फ्री मिलेगा, और 64,000 पहले से आपके पास है, तो टोटल शेयर हो गया 1,92,000। फेस वैल्यू वही 10 है। तो अब यहाँ पर 1999 में कंपनी फिर से अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है 2 रुपये के फेस वैल्यू में, तो यहाँ 5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, तो 5 से आपका शेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1,92,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9,60,000 शेयर। फिर 2004 में वो 2:1 का कंपनी बोनस देती है, तो यहाँ पर आपका हो गया फिर इस पे इसके 2 गुना शेयर फ्री मिलेंगे, तो आपका हो गया 28,80,000 शेयर। फिर 2005 में 1:1 का बोनस, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 57,60,000 शेयर। फिर 2010 में 2:3 का बोनस देती है कंपनी, तो आपका ये शेयर हो गया 96 लाख शेयर। फिर 2017 में 1:1 का बोनस देती है कंपनी, तो यहाँ पर आपका टोटल शेयर हो गया 1,92,00,000। फिर 2019 में 1:3 का बोनस देता है कंपनी, तो यहाँ पर टोटल शेयर हो गया 2,56,00,000। फेस वैल्यू अभी भी कंपनी का 2 ही है, अभी कंपनी जो है 2019 के बाद कोई भी बोनस शेयर नहीं दिया है। तो यहाँ पर टोटल शेयर आपने देखा कि जो 100 शेयर है वो कंपाउंडिंग के कारण, मतलब बोनस और स्टॉक स्प्लिट के कारण जो शेयर नंबर ऑफ शेयर्स कंपाउंड कर गया, तो कंपाउंडिंग के बेनिफिट के कारण लॉन्ग टर्म में नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 2,56,00,000। तो मात्र 100 शेयर जो कंपाउंडिंग के कारण 2,56,00,000 हो गया। यहाँ पर जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट था 1980 में, वो इन्वेस्टमेंट अब हो चुका है 1,376 करोड़। इतना आपको आ जाएगा, तो टोटल जो रिटर्न प्राप्त हुआ यहाँ पर 10,000 के इन्वेस्टमेंट में वो 1,376 करोड़ का, यहाँ पर 2021 के अनुसार। लेकिन यहाँ पे आप जो है अभी भी एक सेक्रेट आप नहीं जान रहे हैं, जो वो है डिविडेंड का सेक्रेट। जब आपका नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ कंपाउंडिंग हुआ, तो देखिए 100 रुपया का शेयर आप यहाँ पर करेंट प्राइस कितना है 537, अगर आप देखेंगे तो मात्र 500% का रिटर्न प्राप्त हुआ, मात्र 500 टाइम्स उनका रिटर्न हुआ है। लेकिन
यहाँ कंपाउंडिंग काम कहाँ कहाँ किया, बोनस शेयर में, कंपाउंडिंग वर्क कहाँ किया, नंबर ऑफ शेयर्स में, नंबर ऑफ शेयर्स ही जो है यहाँ काफी ज्यादा हो चुका है। तो दोस्तों ये है कंपाउंडिंग का बेनिफिट, यहाँ पर शेयर के प्राइस में कंपाउंडिंग वर्क नहीं किया, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स में कंपाउंडिंग वर्क किया। शेयर का प्राइस 100 था, अभी 537 रुपीज है, देख सकते हैं मात्र 5 times से ज्यादा हुआ है, लेकिन कंपाउंडिंग वर्क कहाँ किया, नंबर ऑफ शेयर्स में। तो यहाँ पर जो एक सेक्रेट आपसे बच रहा है वो है डिविडेंड का सेक्रेट। अगर अर्ली डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर अर्ली जो 10,000 के इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड मिल रहा है, अभी विप्रो का डिविडेंड यील्ड है 0.20%। इस डिविडेंड यील्ड के रेट से मतलब जो करेंट प्राइस है डिविडेंड विप्रो का उसका इतना परसेंट मिलेगा, मतलब जो करेंट आपका अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, जो करेंट अमाउंट है मतलब करेंट जो रिटर्न मिला उसका इतना परसेंट, तो आ जाएगा आपका 2.7 करोड़। तो 2.7 करोड़ अर्ली डिविडेंड रिसीव होता है। तो इस तरह से 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे जो टोटल डिविडेंड रिसीव हो गया है वो 100 करोड़ प्लस का डिविडेंड अभी तक में रिसीव हो चुका है। तो ये था मैजिकल रिटर्न स्टॉक मार्केट का, जो कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न प्राप्त हुआ। यहाँ पर कई सारे लोग बात करेंगे उस समय 10,000 रुपया तो बहुत बड़ा अमाउंट होता था, तो आप 10,000 नहीं तो 100 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो अभी भी 1,00,000 रुपया बहुत होता है, अगर आप 1,00,000 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो अभी भी आपको बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिलने वाला है। तो अभी का जो 1,00,000 रुपीज़ है वो उस समय का 100 रुपया मान लीजिए, तो 100 रुपया भी अगर आप इन्वेस्ट किए रहते तो चलिए 100 रुपया पर देखते हैं आपको कितना रिटर्न प्राप्त होता। अब देखिए यहाँ पर 100 रुपया पे हम कैलकुलेट किए हैं, एक शेयर को हम मल्टीप्लाई किए हैं, तो एक शेयर जो मल्टीप्लाई हो जाता वो हो जाता 256,000 शेयर। तो एक शेयर बन जाता कितना, 256,000 शेयर। तो 100 रुपया का जो इन्वेस्टमेंट होता वो आज कितना होता, तो देख लीजिए 13,76,00,000, 13,76,00,000 का रिटर्न होता अभी। साथ ही साथ अर्ली डिविडेंड प्राप्त होता 2.7 लाख का, डिविडेंड 0.20% के रेट से। तो ये है विप्रो का मैजिकल रिटर्न, मतलब स्टॉक मार्केट के कंपाउंडिंग का मैजिकल रिटर्न। विप्रो से भी कई सारे ऐसे शेयर हैं जो कि इससे भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, जिसमें से आपको मिल जाएगा मदरसन सुम्मी, उसके बाद आपको शिप्ला, टाइटन, बजाज फाइनेंस, तो कई सारे स्टॉक है जो कि विप्रो से भी काफी बेहतर रिटर्न दिए हैं इससे कम टाइम में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।